तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। अगर आप इस टाइप के फोटो एडिट करना चाहते हो तो हमारे वीडियो में बने रहना और वीडियो को मिस मत करना और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई। तो चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स गो। तो भाई, सबसे पहले आपको पिक्चर ओपन करना होगा। पिक्चर ओपन करने के बाद प्लस के आइकन क्लिक करना होगा। उसके बाद जो हमारा बैकग्राउंड है वो ले लेता हूँ। तो गाइस, हमारा जो बैकग्राउंड यहाँ पे आ चुका है। तो गाइस, यहाँ से मैं अपना साइज बड़ा कर लेता हूँ, 1717। तो यहाँ पे मैं डन करता हूँ। उसके बाद अपने यहाँ मॉडल को सेट करूँगा। तो गाइस, मॉडल यहाँ पे आ चुका है। तो गाइस, इसको यहाँ पे सेट करने के बाद आपको इरेजर पे क्लिक करना है। इरेजर पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से इरेजर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको हार्डनेस को थोड़ा कम रखना है, अच्छा जो साइज़ है उसको छोटा करना है और इसको भी हल्का कम कर देंगे। उसके बाद फ़ोटो को जूम करके सब हल्का हल्का, ये ऐसा लगे कि पानी के अंदर हमें, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, हल्का हल्का मान लो बस। तो भाई, इससे यहाँ पर सेटअप हो चुका है। तो मैं इसको डन करता हूँ। फिर से मैं जाऊंगा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ पे फोटो फ्रेम है और एक होम का PNG है। पहले हम यहाँ पे जो है मेन यही है, इसको पे सेट कर लेता हूँ। ठीक, तो अभी अच्छे से सेट करना। सेट हो चुका है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा क्या करूँगा, हल्का सा इसको कम करूँगा ताकि पता चले कि हमको कहाँ से कट करना है। उसके बाद आपको इरेजर पे क्लिक करके इसको जितना हैंड है आपको मिटा देना है। तो भाई, यहाँ पे इरेजर पे क्लिक करता हूँ और ये जो फालतू दिख रहा है हैंड पे उसको मैं कट कर लूँगा और थोड़ा हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से कट करूँगा। ठीक है, तो गाइस हमारा जो है यहाँ पे कट हो चुका है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे डन करके देख लेता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमारा जो है फ्रेम सेट हो चुका है। उसके बाद आप जो PNG है होम का, वो मैं यहाँ पे सेट करूँगा। तो गाइस, इसको थोड़ा जूम करके अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो गाइस, जो कि फोटो है, फोटो को क्या, जो फ्रेम आप पकड़ रहे हो फ्रेम पे आप एक बार क्लिक करके फ्रेम को आगे कर लेना है। वो ऑटोमेटिक क्या है कि वो फोटो पीछे चला जाएगा और अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो है पीछे चला गया। मैं डन कर लेता हूँ। उसके फिर से मैं जाता हूँ ऐड फोटो में और कुछ PNG है उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो पहले तो मैं ये PNG ले लेता हूँ और ये PNG ले लेता हूँ। ठीक है, और कुछ PNG जाकर मैं ले लेता हूँ गाइस। तो ये दोनों डाउनलोड मैंने किया है, आपका सारा लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, यहाँ पे अच्छे से सेटअप करना। अब ये जो है इसको मैं यहाँ थोड़ा घुमाऊँगा इस साइड, इसको ऐसे कर दूँगा ताकि लगे कि ये पानी से दहता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे एकदम अच्छे से सेट करना होगा इस। तो गाइस, देखो एक चीज़ हमारा सेट हो चुका है और ये वाले जो है डॉल्फिन को हल्का सा घुमा दूंगा ऐसे और अच्छे से इसको सेट करूंगा। बट जूम कर लेता हूँ ऐसे ऐसे, यहाँ पे नीचे यहाँ पर रखूँगा, यहाँ पे नीचे रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रेजर पे क्लिक करके फालतू जो यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे हमारा कट हो चुका है। अब इसको यहाँ पे ये जो पानी जो है इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगा। फिर से मैं इरेजर पे क्लिक करता हूँ गाइस, ऐसे इसको मिला लेता हूँ उसको क्लिक करके और ये आलतू है इसको मैं हटा लेता हूँ।
इसमें थोड़ा रात में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा बाद में जो है ये थीम आ रहा है, और जो कुत्ता जो डॉगी भी बहुत भौंक रहे हैं लोग, तो गाइस थोड़ा माफ़ करना, साइड से थोड़ा नॉइज आ सकती है। तो गाइस इसको मैं यहाँ से सेट कर लिया, और उसके बाद तो ये वाली पेन भी है। पहले देखो आपको यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद आप इसको कलर सेटिंग कर लेना गाइस पहले, तो आपको स्लाइड करना है सबसे लास्ट वाले में जाकर आपको नीचे कर देना है, ठीक है। ये आपको जो पानी का कलर है वो मैचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ गाइस। उसके बाद मैं इसको भी यहाँ पे लेकर जूम कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, और फिर से जो है इरेजर पे क्लिक करके मैं इसको हटा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो है ये तो वाटर जो है मतलब सेट हो चुका है, बट इसका जो वाटर का कलर है मैं उसका भी मिलाने वाला हूँ। तो आपको पहले यहाँ से आपको क्या करना है, इस पर डन करना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पे एडजस्ट में जाने के बाद आपको एक मिनट आपको इस पर क्लिक करना होगा और स्लाइड नीचे कर देना ताकि ये जो वाटर से मैचिंग कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा पीएनजी जो है सेटअप हो चुका है, और दो पीएनजी और है जो कि मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। वैसे मैं सारा का लिंक दे दूँगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पीएनजी, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ अच्छे से जूम करके गाइस, अपना इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर देना गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा इरेजर पे क्लिक करूँगा, इरेजर पे क्लिक करने में गाइस जो फालतू आपको दिखाई थोड़ा मिलाकर आपको रखना होगा ताकि लगे बेस्ट। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो है वाटर सेट हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे मैं डन करता हूँ। तो गाइस यहाँ सब काम तो हो चुका है गाइस, बट यहाँ पे अब दो पीएनजी और है जो कि मैं यहाँ पे हेयर स्टाइल करूँगा और सूर्य प्रकाश जो है वहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। तो ऐड फोटो में जाकर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये ले लेता हूँ गाइस सूर्य प्रकाश है, और एक पीएनजी है जो कि मेरा हेयर स्टाइल हो गया, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे इसको लगा देता हूँ हेयर स्टाइल को, पहले यहाँ पे जूम कर लेता हूँ गाइस। तो ये हेयर स्टाइल मैं खुद से बनाया हूँ गाइस, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस मैं इसको जूम करके अच्छे से मिला लेता हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ पे जो कि हमारा हेयर स्टाइल है सेट हो चुका है, बट फालतू जहाँ दिख रहा है उसको मैं कट करने वाला हूँ, तो इरेजर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखो जो कि फालतू सेटअप नहीं हुआ है तो मैं उसको यहाँ से हटा दूँगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल सेटअप हो चुका है। तो मैं यहाँ से टर्न करता हूँ, और जो सूर्य प्रकाश है मैं यहाँ पीछे लगाऊंगा, और आपको यहाँ पे जाना है हैंड वॉश के बाद स्क्रीन पे कर देना है, और गाइस यहाँ पे सेटअप करना है, ठीक है। यहाँ पे साइड में सेटअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे डन करता हूँ, और एक फिर से मैं जाऊँगा एट फोटो में, फिर से मैं एक ये लूँगा। ये हमको कहाँ सेट करना है, यहाँ फ्रेम में सेट करना है, ठीक है। तो स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पे सेटअप कर देना होगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है गाइस। तो अब इसको क्या करना है, कलर सेटिंग करना है गाइस। तो आपको पता है कहाँ जाना होता है, लाइट रूम में जाएंगे गाइस, उसके बाद यहाँ पे लाइट सेटिंग करेंगे। तो पहले इसको मैं डार्क रूम में जाकर यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ गाइस। तो आपको तीन डॉट पे क्लिक करना है, और सेव इमेज पे क्लिक करके सेव कर लेना है। तो गाइस हमारा फोटो सेव हो चुका है, तो फिर चलते हैं लाइट रूम में गाइस। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो है लाइट रूम में आ चुका है। तो इसको मैं यहाँ पे फ्रेम पे लाता हूँ, उसके बाद आपको कलर सेटिंग करना है। तो सबसे पहले आपको लेंस पे क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है, उसके बाद आपको इस पे जाना है, और यहाँ पे हाईलाइट पे काम करना है गाइस, ठीक है। तो थोड़ा मैं हाईलाइट को कम करूँगा, और इसको थोड़ा बढ़ा दूँगा, वाइट बैलेंस है गाइस, ये जितना वाइट रखना चाहते हो रख सकते हो, बट यहाँ पे मैं कम करूँगा, और ये ब्लैक है, आप जितना आपको फोटो में ब्लैकनेस चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो गाइस हमको ज़्यादा नहीं रखना है, कम रखना है। तो गाइस उसके बाद तो इस पे जाना है, उसके बाद आपको जाना है मिक्स पे, उसके बाद आपको यहाँ पे रेड है जो कि आप यहाँ पे अपने मतलब किसी गाइस अपने जैसा फ़ोटो हिसाब से अपने कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पे सेट कर दूँगा। तो गाइस अपने हिसाब से जो कलर सेटिंग करना होगा आपको, यहाँ पे मैं सेट कर दिया, ऐसे या कोई भी करना होगा, बस यहाँ पे जो है अच्छे से करना है ताकि फ़ोटो आपकी जो बेस्ट बने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फेस पे भी कलर दे देता हूँ वाइट। तो आप देख सकते हो कि हमारा फेस जो है चेंज हो चुका है, मतलब चेंज हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे डन करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे
हल्का यहाँ पे बना दूँगा ये, ताकि ये मैचिंग हो जाए बैकग्राउंड से। हल्का मैं रखूँगा इसको, इसको बना दूँगा और हल्का इसको मैं कम कर दूँगा। ठीक है गाइस, तो उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको जाना है थोड़ा फेस को स्मूथ करना है गाइस, तो आपको इस पर जाना है, ये जो है फोटो का क्लैरिटी जो बढ़ा देता है गाइस। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, इस पर आपको करना है, उसके बाद ये इस पर करना है गाइस। तो यहाँ पे आपका जो है आपको तीन चीज़ करना होगा, आपको सबसे पहले ये करना होगा, फिर ये करना होगा, फिर आपको स्लाइड करके और ये वाला करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब कुछ सेटअप कर लिया गाइस, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना और थोड़ा क्लैरिटी जो है मैं बढ़ा दूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कर दूँगा वेटन। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा हो गया, अब थोड़ा क्या करूँगा गाइस, थोड़ा फिर से मैं थोड़ा जाऊँगा कलर सेटिंग करने के लिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा लाइट को थोड़ा यहाँ पे बढ़ा देना है, बस ऐसे ही करना है गाइस। आपको मतलब किस टाइप का आपका फोटो मतलब कहाँ पे ख़राब लग रहा हो क्या नहीं, तो आपको मैनेज करना होगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपको मैनेज करना होगा, जैसे कि मैं मैनेज कर रहा हूँ गाइस। गाइस तो यहाँ पे हमारा फोटो जो हो चुका है गाइस, उसके बाद मैं जाऊँगा गाइस इस पर। उसके बाद आपको यहाँ पे जो अच्छा लगे आपको कर लेना है, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ अपने हिसाब से। तो भाई हमको ये बहुत अच्छा लगता है गाइस, तो मैं इसको यहाँ पे सेट करूँगा, तो यहाँ पे डन कर दिया गाइस। तो गाइस देख सकते हो कि हमारा फोटो कितना बेस्ट बन चुका है। अब देखो पिक्सआर्ट में फोटो कैसा था, अब यहाँ देखो लाइट रूम में आने के बाद फोटो का कलर कैसे चेंज होता है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हो गाइस, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना, और अच्छा लगे तो प्लीज़, नहीं तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं गाइस। तो सेव करने के लिए तीन डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्लाइड करके नीचे आना, सेव टू डिवाइस में सेव कर लेना है। तो गाइस हमारा फोटो सेव हो रहा है, तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ओके गाइस, बाय बाय एंड।